रेकी क्या है? जी हाँ, रेकी क्या है? क्या हर कोई रेकी कर सकता है? उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? उसे कैसे करना है? क्या वो फ्रीली अवेलेबल है? उसका कोई कॉस्ट है, कोई चार्ज है? आइए जानते हैं रेकी के बारे में। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है, वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से देखिए। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है जैनब इलेक्ट्रिक वाला, जैनब जी नमस्कार, आपने हमारे को क्वेश्चन किया, सर व्हाट इज रेकी एंड आई वांट टू लर्न रेकी लेवल्स, सो लेट मी आंसर दिस। रेकी क्या है और उनको चाहिए कि वो अलग अलग लेवल्स करें, पर ये वीडियो केवल उसी के बारे में नहीं है, इसके और भी इसमें मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। सो बेसिकली रेकी क्या है? रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जस्ट लाइक ये स्पेस है, आप स्पेस में बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। आप अगर ये रूम देखें तो रूम में आपको क्या दिख रहा है? सारी बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी हूं, पर उसमें एक चीज है जो आप केवल नहीं देख सकते, वो है स्पेस। जी हाँ, स्पेस, आप जहां पर बैठे हैं वहां पर भी स्पेस है और उसमें चीजें हैं जहां पर आप बैठे हुए हैं। तो ये स्पेस जो है, इसको हम ग्रेस बोल सकते हैं, प्राण बोल सकते हैं, या इसे हम लाइट बोल सकते हैं, जैसे आप कोई भी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, पर ये डिफाइन नहीं की जा सकती। सिर्फ आप उसको थोड़ा एफर्ट डालने के लिए, थोड़ा समझने के लिए आप उसको लेबल कर सकते हैं कि एक स्पेस है। अब वो स्पेस जब आपके सेंटर्स के थ्रू जाता है, ओके, ये प्राण जब आपके सेंटर्स के थ्रू जाता है, आपके स्पाइन के थ्रू, आपके अलग अलग वेरियस सेंटर्स के थ्रू जाता है, तो कई बार बिकॉज आप इतने विचार करते हैं, बिकॉज आप इतने बाहर जाते हैं, अलग अलग एनर्जी से आप एक्सपोज होते हैं, तो कई बार आपके कुछ जो सेंटर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, या कम काम करना शुरू हो जाते हैं, या उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाता है। और वो सेंटर्स का अर्थ यही होता है, वो कुछ इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरह है, कि अगर आपने इलेक्ट्रिक बॉक्स से ऑन किया तो आप इलेक्ट्रिक बॉक्स आपका यहां पर है, पर आपका फैन ऊपर चलता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स खराब हो गया तो मे बी शायद आपका, आप ऑन भी करेंगे या ऑफ भी करेंगे तो आपका फैन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं चलेगी, ओवन नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के अंदर तकलीफ आ गई तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो रेकी से क्या होता है? रेकी बेसिकली आपकी अंदर जो एक एनर्जी है, जो अंदर में एनर्जी है, वो भी बाहर में आपकी एनर्जी है। आप उस एनर्जी को आप अपने हाथों के थ्रू चैनलाइज करते हैं। कहां पर चैनलाइज करते हैं? अलग अलग सेंटर्स पर। तो जस्ट बेसिकली आपके 7 सेंटर्स होते हैं आपके स्पाइन के ऊपर, जो आप जानते हैं अगर आप योगा करते हैं या योगिक प्रैक्टिसेस में हैं। तो आप अपने हाथों के द्वारा, जो लोग रेकी से अट्यून्ड है या जिनके सातों के सातों चैनल्स क्लीन है और अट्यून यानी एक्टिवेटेड है, वो अपने हाथों के माध्यम से आपके उन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस ही नहीं, उनको क्लीन कर सकते हैं, क्लीन ही नहीं, उनको एनहेंस कर सकते हैं, एनहेंस ही नहीं, कई बार अगर वो ज्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डिप्लीट भी किया जा सकता है। पर ये केवल उन्हीं लोगों के साथ पॉसिबल है, उन्हीं रेकी मास्टर्स के साथ पॉसिबल है जो बहुत समय से रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसी के साथ जब आप अपनी इन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं अपने सटल एनर्जी सेंटर्स पर, तो होता क्या है, आपकी कोई भी परेशानी जो हो, से फॉर एग्जांपल आप बहुत सालों से आपकी किडनी में कोई तकलीफ है, पेट में आपको हमेशा विकार रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, नींद नहीं आती, हार्ट की कंडीशन है, कहीं कोई खंधा वंधा दुखता रहता है, या आपको आपके जॉइंट्स में कुछ पेन हो जाता है, या कोई भी बहुत सारा इंसोमनिया है, एक्स वाई जेड, या बहुत सारा सोचना है, तो जैसे ही जो रेकी मास्टर होते हैं वो जैसे ही आपके एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने लग जाती हैं। जी हाँ, आपके कंट्रोल में आती हैं। रेकी केवल आपके फिजिकल टच से ही नहीं होती है। आप अगर यहाँ पे वो लेवल, ये
फिजिकल टच वाला लेवल वन होता है, जहां पर आप अलग अलग सेंटर्स पे अपने रेकी मास्टर आपके हाथ रखते हैं और वो बैलेंस करते हैं। लेवल टू में ये होता है कि जहां पर आपको किसी भी फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती है। आप से फॉर एग्जाम्पल आप पांडिचेरी में बैठे हैं और किसी को आप दिल्ली में जस्ट उनका विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप उनकी पूरी हीलिंग कर सकते हैं, उन तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं। ये सेकेंड लेवल ऑफ रेकी होता है। और उसके बाद एक एडवांस लेवल भी होता है जहां पर आप खुद लोगों के एनर्जी सेंटर्स को क्लीन कर सकते हैं, उनको अट्यून कर सकते हैं या उनको आप फर्दर रेकी मास्टर्स बना सकते हैं। जितनी बट सबसे बेस्ट चीज यही है कि अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो पहले किसी रेकी मास्टर से आप मिलिए और उनसे अपने एनर्जी सेंटर्स को खुलवा लीजिए, एक्टिवेट करवा लीजिए। और धीरे धीरे जब आप खुद इस प्राण को यूज करने शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जीज खुद ही एनहांस होना शुरू हो जाएगी और लोग आप में एक डिफरेंस महसूस करने लग जाएंगे कि अरे आप क्या कर रहे हो, आप बहुत एक्ट बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो, आप अच्छा दिख रहे हो, आप बहुत उत्साहित लग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो नेचुरल एनर्जी है उसको साफ रख रहे हो, उसको क्लीन रख रहे हो रेकी प्रैक्टिस करके। मैं अभी बहुत सालों से रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 20 साल पहले मैंने अपनी खुद की रेकी की ट्रेनिंग की थी और मैं पिछले 20 साल से रेकी कर रहा हूँ। बहुत ही ये इफेक्टिव मेथड है रेकी। जब आप दूसरे हमारे एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस के साथ, योग के साथ, मर्म के साथ जब इंक्लूड करते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है और इसकी एफिकेसी है ये और बढ़ जाती है। जी हाँ, और बढ़ जाती है। आपके हाथों में या आपके पूरे एक सेल्फ में यानी आपके पूरे फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही एक हीलिंग टच रहता है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि आपके साथ बस कुछ लोग बैठे हैं और वो आके आपके बस साथ में बैठते हैं और एक हीलिंग उन्हें महसूस होने लगती है। ये पावर होती है आपकी खुद की और यही पावर होती है प्राण की, रेकी यानी केवल ये, जहां पर आप एक चैनल बनते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं यूनिवर्सल एनर्जी को आपके थ्रू फ्लो करके जिसकी एनर्जी कम है, डिप्लीटेड है, उस तक पहुंचाने में। आप खुद ही अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपके आसपास देखिए कि कौन अच्छे रेकी मास्टर्स हैं और उनसे आप सीखिए और आप खुद के लिए यूज कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कीजिए और इस दुनिया को और खुशहाल और हैप्पी बनाइए, करके खुद ही देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर की इस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।